जो नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ में आपको ये बता दूं कि यहाँ इस चैनल पे सोशियोलॉजी की सारी वीडियो अवेलेबल है। सोशियोलॉजी से अगर आप चाहते हैं नेट क्वालिफाई करना तो काफी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जा करके नेट से संबंधित आप तैयारी कर सकते हैं। नेट से संबंधित क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट की जितनी वीडियो है उसको आप सुन जाइए, उसको टॉपिक वाइज सुनिए, आप देखिए सिलेबस में क्या है और यूजीसी नेट का सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को देख देख करके और नोट कीजिए, पॉइंट को याद कीजिए। और इसके साथ साथ एमसीक्यू बनाए हुआ हूं मैं, प्रैक्टिस कीजिए सोशियोलॉजी की हर एक टॉपिक पे। और जितनी भी सोशियोलॉजी की आप जो है ना, एक तो कॉन्सेप्ट को आप मजबूत कीजिए, कॉन्सेप्ट में क्या है, सोशल ग्रुप, स्टेटस, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीजें। उसके साथ साथ थॉट पे आपका कमांड होना, थॉट की जितनी वीडियो है, क्लासिकल थॉट पर पहले अगस्त कॉम्प्ट, मेल्डर, खाइम, हर्बर्ट स्पेंसर, कॉल मार्क्स, मैक्स वेबर, टॉलकॉट पर्सन, जिसको बहुत अच्छे से विश्लेषण किया गया उसको आप करिए। उसके बाद मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को, और भी बहुत सारी वीडियोस है। तो चलिए इसमें हम लोग साथ साथ में थोड़ा मैं डिटेल में बात कर लेता हूँ, ताकि क्या कह रहे कि बात पूरी हो जाए। साथ साथ में जो लोग ग्रुप सी आर्मी पुलिस, खास तौर से देखिए ग्रुप सी आर्मी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए GK 1 से 105 की एक प्लेलिस्ट है, इसका नाम है 105 वीडियो का सेट है, उसको तैयार कर जाइए। और जो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए अलग से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारी वीडियो है, एक एक वीडियो वन बाय वन आप पढ़िए और उसको कंप्लीट कीजिए, नोट लिखिए। बच्चे बार बार पूछते हैं कैसे तैयारी करें, तो हर एक चीज का, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। चलिए हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट फीचर अफेक्टिंग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया। आखिर इंडिया के पॉपुलेशन की डेंसिटी को कौन से फीचर है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करती है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन बढ़ने की या बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह क्या क्या हो सकती है, उस पर हम विचार करते हैं। जनसंख्या घनत्व किसी देश अथवा क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस देश अथवा क्षेत्र के क्षेत्रफल के अनुपात को कहा जाता है कि उस क्षेत्रफल में कितने लोग निवास करते हैं। तो और दूसरे शब्दों में जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य यह है कि देश में प्रति वर्ग मील अथवा प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, यानी एक किलोमीटर के क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं उनको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व तो आपने सुना है कि भाई भारत की जनसंख्या घनत्व इतनी है, उत्तराखंड की इतनी है, यूपी की इतनी है, बिहार की इतनी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अभी भारत में बिहार राज्य की है, उसके बाद बंगाल की है, ये बात भी आता है आम तौर पे। चलिए तो इसे अंकित जनसंख्या घनत्व भी कहते हैं। देश में उपलब्ध कुछ भूमि के क्षेत्रफल को वहां की कुल जनसंख्या से भाग देकर जनसंख्या घनत्व मालूम करते हैं। ठीक है, देश में उपलब्ध कुल भूमि को, जैसे मान लिया कुल भूमि, जैसे क्षेत्रफल टोटल जितना है पूरे देश का, और उसके उसको बट्टा जनसंख्या, इससे पता चलता है जनसंख्या घनत्व का। ठीक है, आगे बढ़िए। स्पष्ट है कि जिन देशों में जनसंख्या अधिक या निवास योग्य भूमि कम होती है वहां जनसंख्या घनत्व अधिक होगी, जाहिर सी बात है। विकास जैसे भारत जैसे देश में क्या है मामला, अब भारत में क्या है, भूमि कम है और जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या अधिक है,
अगर भूमि बट्टा जनसंख्या होगा तो जाहिर सी बात है जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा। यद्यपि जनसंख्या घनत्व व सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में घनात्मक सहसंबंध पाया जाता है, परंतु घनत्व का अध्ययन करते समय देश के आर्थिक विकास के साथ साथ आकार का अध्ययन भी आवश्यक है। क्या आखिर पॉपुलेशन का आकार क्या है, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कंपोजिशन क्या है, संरचना क्या है। अब मान लो युवा कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ये भी जानना जरूरी है। उस देश में जनसंख्या का आकार क्या है, कंपोजिशन क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, यानी लिंगानुपात, लिंगानुपात का भी रोल है, सेक्स रेशियो क्या है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों की प्रति वर्ग किलोमीटर औसत संख्या से है। 1998 की जनसंख्या के अनुसार भारत औसत जनसंख्या घनत्व 267 थी, 1981 में जनसंख्या घनत्व 16 रुपया प्रति व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर थी मात्र। आगे आइए, इसको आप उतार लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या घनत्व का ये कॉन्सेप्ट है, प्रोफेसर कर्वे का मत है कि भारतवर्ष में जनसंख्या घनत्व जितना होना सर्वोत्तम होगा उससे बहुत अधिक है, बहुत अधिक है यहाँ जनसंख्या घनत्व। ये प्रोफेसर कर्वे कहते हैं महान डेमोग्राफिक है। देश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास केवल जनसंख्या के घनत्व पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधन, पूंजी की मात्रा, उत्पादन की टेक्नोलॉजी, प्रविधि, श्रम के प्रकार पर भी निर्भर करता है। अतः उपर्युक्त समाज चर्चाओं के आधार पर निष्कर्ष कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व न तो किसी देश की निर्धनता का सूचक है नहीं संपन्नता का, ये मात्र उस देश में रहने वाले व्यक्तियों की प्रति वर्ग किलोमीटर औसत संख्या से है। जनसंख्या के घनत्व और आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, इसी कारण जनसंख्या घनत्व का अध्ययन किया जाता है। अब जनसंख्या का अध्ययन इसलिए करते हैं कि वहां की इकोनॉमी का जनसंख्या से, यानी अर्थव्यवस्था का जनसंख्या से, पॉपुलेशन से क्या रिलेशन है, क्या उतने लोग हैं तो उनके पास काम है, क्या है टेक्नोलॉजी, फीचर्स अफेक्टिंग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, क्या क्या डेंसिटी को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारण हैं, किसी देश में या क्षेत्र में जनसंख्या किन कारणों से प्रभावित होती है, लगभग वे ही सभी कारक भारत की जनसंख्या घनत्व को भी प्रभावित करती है। भारत की जनसंख्या घनत्व के प्रमुख कारक हैं, एक है प्राकृतिक कारक, जलवायु, यहाँ गर्म जलवायु है, भारत किसी स्थान की जलवायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या है तो वहाँ कम मनुष्य रहते हैं और जनसंख्या घनत्व प्रायः कम होती है, जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी भाग आदि। इसके विपरीत गंगा सिंधु के मैदान क्षेत्रों में अनुकूल जलवायु है, वहाँ जनसंख्या अधिक होती है। वर्षा का भी कारण है। भारत में ऐसे स्थान है राजस्थान, मध्य प्रदेश में कम वर्षा के कारण जनसंख्या घनत्व कम है, जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ पे पैदावार अधिक होगी, जाहिर सी बात है तो वहाँ जनसंख्या, जैसे आपको पता है बिहार का जनसंख्या घनत्व अधिक है, पश्चिम बंगाल के यहाँ वर्षा होती है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तो यहाँ पे खेतीबाड़ी भी होती है। उसके बाद भूमि की प्राकृतिक बनावट के आधार पर भी, अब जैसे मैदानों में भूमि की प्राकृतिक बनावट सीधी होती है, वहाँ पे जनसंख्या का बसाव बहुत होता है, और जहाँ भूमि की प्राकृतिक बनावट सही नहीं होती, जैसे भारत में जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि में दिक्कत होती है, तो वहाँ पे जनसंख्या कम है। आगे आइए, ये सब पॉइंट आप लिख लेंगे। कृषि का क्षेत्र जहाँ भी होगा, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, जहाँ जनसंख्या घनत्व होगा, उसके बाद मानवीय कारण भी है, वो था प्राकृतिक कारण, अब आइए मानवीय कारण में क्या क्या है। आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा पढ़ूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। एक तो प्राकृतिक कारक था, अब मानवीय कारण में देखिए, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा मानवीय कारण में आ गया, यातायात के साधन, जहाँ यातायात के साधन होंगे, अब देखिए दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, मुंबई, देहरादून, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी। उसके बाद जीवन संपत्ति की सुरक्षा जहाँ होगी वहाँ जनसंख्या बढ़ेगी,
आगे आइए, ये सब पॉइंट आप लिख लेंगे। औद्योगिक विकास, जहां जहां औद्योगिक विकास होगा, जैसे आप देखिए कलकत्ता, मुंबई, कानपुर, इन सब जगहों में, जहां पे दिल्ली, जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा वहां पे जनसंख्या बढ़ती है, और इसको पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। सामाजिक और धार्मिक कारण भी होते हैं जनसंख्या के बढ़ने के, ये सब काम आएंगे। ये नोट आपको पीजी के लिए भी है और आईएएस पीसीएस में भी काम आएंगे, आईएएस पीसीएस के लिए बेहतरीन नोट है ये। आगे आइए, अन्य कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण भी संतान उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके लिए जैसे मान लिया कि सांस्कृतिक और सामाजिक कारक होते हैं, जैसे जाति व्यवस्था, जैसे मान लिया पुत्र की प्राप्ति हिंदू धर्म में है। अन्य कारण में भी आप देख सकते हैं, मिट्टी की प्रवृत्ति पर भी डिपेंड कर रहा है, मिट्टी कैसी है। अगर मिट्टी वहाँ बहुत अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है उर्वरता अधिक होगी तो वहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी, सिंचाई की सुविधा होगी तो खेती होंगे और जनसंख्या बढ़ जाएगी। ये शॉर्टकट में आप लिखते रहेंगे पॉइंट को। जिन क्षेत्रों का ऐतिहासिक अथवा धार्मिक दृष्टि से महत्व होता है वहां भी जनसंख्या बढ़, जैसे हरिद्वार को आप देख लीजिए, इलाहाबाद को देख लीजिए, तो ये भी है। उसके बाद जिन क्षेत्रों के आधुनिक सभ्य जीवन की सुविधाएं होती है, पानी, बिजली, इन सबके सुविधा वाले क्षेत्र में भी अत्यधिक जनसंख्या बढ़ती है। खनिज संपदा की बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने पर भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती है जहां पे खनिज होती है, जैसे झारखंड। जनसंख्या घनत्व उन नगरों में भी अधिक होता है जहां केंद्र अथवा राज्य सरकारें की राजधानी है, यानी राजधानियों में भी होती है। ये सब पॉइंट आप नोट कर लीजिए। भारत के राज्यों के अध्ययन के पश्चात पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। इसका मुख्य कारण सभी लगभग प्रतीत होता है जो ऊपर बताया गया है, मिट्टी, पानी, सुविधाएं, राजधानी, मैदानी जगह, ये सारी चीजें। और आप देखिए जम्मू कश्मीर, नागालैंड, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में अपेक्षाकृत जनसंख्या घनत्व कम है। इसका भी कारण वही है जो ऊपर आपने सुना है। और समस्त चर्चाओं के आधार पर निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भारत का जनसंख्या घनत्व क्षेत्रीय विभिन्नता के साथ साथ स्थायी और अस्थायी कारणों के कारण प्रभावित है। क्षेत्रीय विभिन्नता बहुत ज्यादा है भारत में, आपने सुना होगा रीजनल वेरिएशन, इनइक्वालिटी काफी है भारत में, हर तरह की इनइक्वालिटी है, सुविधाओं की, इंडस्ट्री की, अब आप समझिए ये सारे पॉइंट भी, इंडस्ट्री की, एजुकेशन की, जहाँ एजुकेशन होगा, अब देहरादून में एजुकेशन होगा तो लोग देहरादून में भागेंगे, एजुकेशन की, हेल्थ फैसिलिटी जहाँ होगा वहाँ लोग जाएंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन जहाँ होगा लोग वहाँ जाएंगे। तो जनसंख्या इन चीज़ों पे निर्भर करती है जनसंख्या, और इस परंतु ये आवश्यक है कि विभिन्न कारणों को का उचित मिश्रण ही उच्च घनत्व के लिए सहायक है। एक कारण काफी नहीं है, यही वजह है कि कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है और कुछ में कम है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, अगली वीडियो में ऑल द बेस्ट।